ओगलनाथ, ये आवाज तो सुनी सुनी सी लगती है। गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम ओगलनाथ। आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। वो सब ठीक है ओगलनाथ, क्या तू अपने गुरु की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकता? आप आदेश करें गुरुजी। एक इच्छा क्या, मैं तो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मेरी इच्छा है तुम मुझे नागमणि ला कर दो। नागमणि पाकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। आप एक बार मुझे नागमणि का पता बता दीजिए, मैं आपकी सौगंध खाता हूँ। वो नागमणि लाकर मैं आपके चरणों में रख दूंगा। वो नागमणि तुम्हें हाजीपुर बहटा के जंगलों में रहने वाले किसी एक इच्छाधारी नाग के पास मिलेगी, परंतु सावधान रहना, वो इच्छाधारी नाग बहुत खतरनाक होता है। आप चिंता ना करें गुरुदेव, मेरा नाम ओगलनाथ है और इस संसार में आज तक कोई ऐसा नाग पैदा नहीं हुआ जो ओगलनाथ को नुकसान पहुंचा सके। ठीक है ओगलनाथ, तुम जल्द से जल्द जाओ और नागमणि लेकर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है गुरुजी, मैं नागमणि की तलाश में अभी जाता हूँ। हैं? गुरुजी, गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी की आत्मा मुझसे मणि मांग रही थी, सपने में मणि मांग रही थी। मैं अपने गुरु की इच्छा जरूर पूरी करूंगा, मैं अपने गुरुजी को मणि जरूर दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चंबक, नूरा, कहां मर गए सबके सब? गुरुजी, हां हां, जल्दी चलो जी। गुरुजी, जी गुरुजी, आज हमें नाग पकड़ने हैं, चलो मेरे साथ। जी गुरुजी, गुरुजी। मोहिनी जी, आज हमारा मन जंगल में घूमने को कर रहा है, हम जंगल जाते हैं। अगर ये बात है तो हम भी चलेंगे आपके साथ। नहीं मोहिनी, आप आराम कीजिए, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। आज हमारा मन अकेले घूमने को कर रहा है। क्या बात है स्वामी, कहीं आप किसी दूसरी नागिन की तलाश में तो नहीं हो? आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके रहते हुए मुझे दूसरी नागिन की क्या जरूरत है? मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, आप जाइए। मेरी प्यारी मोहिनी, तुम बहुत अच्छी हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अच्छा मोहिनी, हम जाते हैं, अपना ख्याल रखना। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कहीं दूर जा रहे हो। जाइए। आज सकीना से सालन बनवाता हूँ। उठो। अबे क्या बात है? बात क्या होती, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, जाके जंगल से लकड़ियाँ ले आओ, वरना तो रोटी भी पकने वाली नहीं है। अबे इतनी जल्दी खत्म हो गई, इतनी जल्दी फूंक दी लकड़ियाँ, 4 दिन पहले ही तो लेके आया था। और वो जो तुम 3-3 टैम पकवा कर ठूसते हो, उसमें लकड़ियाँ नहीं जलती, उसमें क्या तुम्हें फूकूं? अबे साली, तुझे शर्म नहीं आती, अपने शोर के खाने को देख कर कोस रही है।
मैं क्यों कोसती, मैं तो बतला रही हूँ, तुम्हारी औकात याद दिला रही हूँ। अच्छा अच्छा साली, मेरी औकात पे जाएगी, मेरी औकात याद दिलाएगी? हाँ हाँ याद दिलाऊंगी। अब लाते हो लकड़ियाँ या तुम्हें चूल्हे में झोंकूं? ठीक है ला दूँ लकड़ियाँ, ला कुल्हाड़ी ला। दिखाई नहीं देता, बैल जैसे दीदों से वो रखी उठा लो। उठा के नहीं दे सकती साली। क्यों, तुम पर ना उठती, उठा लो जाके अपने आप। हाँ हाँ उठा लूंगा। और सुनो, जल्दी आ जाना, कभी वहाँ पेड़ों की छाया में ही सो जाओ। हाँ हाँ जाऊंगा। साली सारा मूड खराब कर दिया। या अल्लाह, कौन सी कलम से तूने मेरी तकदीर लिखी है जो ये नमूना मुझे मिला। ढूंढो बेहटा हाजीपुर के इस जंगल का, चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे वो नागमणि चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे इस जंगल के सारे नागों को मौत के घाट उतारना पड़े। जी गुरुजी। इस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। वाह, क्या सुहाना मौसम है, कितना सुंदर पेड़ है, कितना अच्छा फल आता होगा इस पेड़ पर। वाह, कितनी सुंदरता है यहाँ, आज मेरा मन बड़ा ही खुश है। सांप ने काट लिया गुरुजी? नहीं, पेड़ लग गया। चलो ढूंढो। कितना सुंदर फूल है ये, क्या मौसम है, इसकी कलियां कैसी हैं, वाह क्या फूल है। अरे वाह, कितना खूबसूरत फूल। अभी पकड़ता हूं। चलो आओ गुरुजी। इस जंगल का एक भी सांप छूटना नहीं चाहिए। ठीक है गुरुजी। अरे हरे हरे पेड़ है, सूखी लकड़ी नजर ही नहीं आ रही। मिली नहीं रही सूखी लकड़ी। सकीना भी साली ऐसे काम बताती है। आगे देखता हूं किसी पेड़ पे। पीछे हटो गुरु साहब। चंपक, क्या हुआ गुरुजी? पकड़ उसे। पकड़ लूं। ये देखो गुरुजी। देखो इसके सर पे मणि है? नहीं है गुरुजी। डालो इसे भी झोली में और आगे बढ़ो। हमें अपने मकसद में कामयाब होना है। हमें मणि चाहिए किसी भी हालत में। चलो। इतने पेड़ देख लिए साले, सूखी लकड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। कहां से काटूं सूखी लकड़ी, मिली नहीं रही साली। अबे कहां छुप गई,
नजर आ जा, कहाँ गई सूखी लकड़ी? मिली नहीं रही है साली, और देखता हूँ कहीं। कितना अच्छा पेड़ है, क्या आनंद आ रहा है इस पेड़ में। काश मोहिनी भी साथ आती तो कितना आनंद आता। मनी वाला नाग ढूंढो, मनी वाला। क्या हुआ गुरुजी, ऐसा क्या मिल गया जो इतने खुश हो रहे हो? नूरा, जिसकी हमें तलाश थी, मणिधारी नाग, वो देखो, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। तुझे कहाँ भागता है, रुक, बच के कहाँ जाएगा? पकड़ो, पकड़ लो साले को। अब कहाँ जाएगा भाग के? आ गया हाथ में। कहाँ जा रहा है मेरी अमानत को लेके? अमानत? हाँ। कैसी अमानत? मेरे पास तुम्हारी कोई अमानत नहीं है, मुझे जाने दो। तुझे जाने दूं? तुझे जाने देता हूं, पर उससे पहले अपनी नागमणि मुझे दे दे। मणि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कैसे नहीं देगा मणि? मणि तो मैं तुझसे लेकर रहूंगा, पकड़ लो इसे। मेरे जीते जी मेरी मणि को कोई हासिल नहीं कर सकता। क्या कहा? तू जीते जी मनी नहीं देगा? कोई बात नहीं, मैं तुझे मार कर मनी ले लूंगा। मारो इसे। आ, आ। अच्छा तो तू हमसे लड़ना चाहता है, अपनी ताकत दिखा रहा है। तूने हमारी ताकत नहीं देखी नादान लड़के। ये इस लड़के को क्यों मार रहा है? अबे छोड़ दो भाई इसे, भैया छोड़ दो, मैं आ रहा हूँ अभी, अभी आ रहा हूँ सालो। ये मार रहे, छोड़ो इसको। ओए तू यहाँ से भाग जा, हमारे काम में दखल मत दे। क्या कहा, भाग जाऊं? इस निर्दोष को मरने दूं? मेरा नाम भी इकबाल है इकबाल, मैं अपनी आंखों के सामने जुलूम होता देख नहीं सकता। भाभी जी, अंशु भाई को कुछ सपेरे मार रहे हैं। क्या, मेरे अंशु को सपेरे मार रहे हैं? कहाँ? चलो जल्दी बताओ मुझे। जंगल में जो बाग है वहीं पर। मैं अपने अंशु को मरने नहीं दूंगी। लगता है तुझे भी इसके साथ साथ मृत्यु लोक पहुंचाना पड़ेगा, मरो इसे भी। अच्छा, तो तू मेरे आदमियों को मारेगा? आजा साले, तेरी भी बोटिया करके ना, मैंने अपने गांव के कुत्तों को न खिलाई ना, मेरा नाम भी इकबाल नहीं। आज मैं मारूंगा सालो, भागते कहां हूं, छोड़ूंगा नहीं। इकबाल नाम है मेरा, इकबाल नाम है, छोड़ूंगा नहीं सालो।
आ गया गुरुजी, आ गया। भाग लो गुरुजी, भाग लो, पकड़ ले, भाग लो, मार देगा गुरुजी, कुल्हाड़ी ले लकीर दे दो। अबे रुक जा, रुक जा। अबे सालो, रुक कैसे जाऊं जब तक तुम्हारी बोटियां ना कर दूं। हां गुरुजी, चलो बेटा भाग लो वरना ये हमें मार देगा। भागते कहां, रुक जाओ, रुक जाओ सालो, जाते कहां, रुक जाओ। आज तो तूने इसे बचा लिया, हम फिर आएंगे और अपना काम पूरा करके जाएंगे। भाग गए सारे, अबे चले जाओ यहां से, कभी तुम्हारे काम पूरा कर दूं। भाग गए साले, वरना यहीं उनकी कब्र बना देता। बेटा इकबाल, चलकर उस लड़के को देख, उसकी हालत कैसी है। स्वामी, स्वामी जी, ये सब कैसे हुआ स्वामी? है? कहां गया? अभी तो मैंने यहीं छोड़ा था। ओह, लगता है अपने घर चला गया। मैं भी जल्दी से लकड़ियां काट लूं, वरना सकीना खाना नहीं पकाएगी और मुझे रिमांड पे ले लेगी। चल बेटा इकबाल, अब जल्दी से लकड़ियां काट ले और निकल ले घर को। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चुप हो जाओ गुरुजी, चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं नूरा? उस इकबाल के बच्चे ने मेरे हाथ मणि आने से रोक दिया। मैं उस इकबाल के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी इकबाल से पंगा मत लो, वो तो सिर्फ काटने पीटने की बात करता है, वो तो कसाई है, कसाई। तो क्या हुआ नूरा, अगर इकबाल कसाई है तो मेरा नाम भी ओघड़नाथ है, ओघड़नाथ। और ओघड़नाथ कभी हार नहीं मानता। पर गुरुजी, आप इकबाल से कैसे मुकाबला करोगे, उससे कैसे बदला लोगे? मुकाबला मैं नहीं, मेरा रुद्र करेगा, वो लेगा मेरा बदला। हाँ गुरुजी, रुद्र का डसा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता, तुरंत मौत के आगोश में सो जाता है। हाँ नूरा, मैं यही चाहता हूँ कि इकबाल हमेशा हमेशा के लिए मौत के आगोश में सो जाए, ताकि मेरे और मणि के बीच में जो दीवार है वो हमेशा हमेशा के लिए ढह जाए। ऐसा ही होगा गुरुजी, अब आप आराम करो, मैं भोजन का इंतजाम करता हूं। शाम हो गई लेकिन अभी तक लकड़ी लेकर नहीं आए। पता नहीं पूरे दिन जंगल में क्या करता रहा पट्ठा, कभी टाइम से नहीं पहुंच सकता घर में। पता नहीं मेरे अब्बू ने भी कहां झोंक दिया मुझे। खुल जा, थक गया। बंद हो जा, अबे बंद हो जा, बंद नहीं हो रहा। बहुत भारी लकड़ी है। सकीना, लकड़ियां ले आया हूं, अब जल्दी से खाना बना ले, बहुत जोर की भूख लगी है। क्यों, मिल गई फुर्सत, अभी क्यों आए, सुबह को आ जाते। अबे सकीना, सुबह आने की बात नहीं है, वहाँ पे मैं एक लपड़े में फंस गया था, इसलिए लेट हो गया, वरना मैं तो टाइम पे आ जाता। हाँ हाँ, मैं मिली हूँ तुम्हें पागल बनाने को। मुझे तो ऐसा लगा तुम्हारा किसी दूसरी औरत से चक्कर चल रहा है, जब ही तो सारा दिन घर से बाहर रहते हो। अबे मेरा किसी से चक्कर वक्कर नहीं है, हमेशा घोड़े पे सवार रहती है। तू मेरा यकीन कर, आज जंगल में एक लपड़ा हो गया था, इसलिए लेट हो गया, अब तू खाना बना ले,
भूख लग रही है। मैं ना बनाती खाना वाना, अपने आप पका लो और ठूस लो, मैं तो सोने जा रही हूँ। अबे सुन तो सही, सकीना सुन तो। मैं ना सुनू अब। अच्छी मुसीबत है यार, नेकी करो और भूखे मरो। चल बेटा इकबाल, आज तो भूखा ही सो जा। स्वामी, आप वहां क्या करने गए थे और वो जालिम लोग कौन थे? मैं तो वहां टहल रहा था, पता नहीं एकदम कहां से आ गए, आते ही मेरी मनी छीनने लगे। मैंने देने से मना किया तो उसे पकड़ कर लाओ। कहां जा रहा है मेरी अमानत को लेके? अमानत? कैसी अमानत? मेरे पास तुम्हारी कोई अमानत नहीं है, मुझे जाने दो। तुझे जाने देता हूं, पर उससे पहले अपनी नागमणि मुझे दे दे। पकड़ लो इसे। अगर वो नेक दिल इंसान नहीं आता तो मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाता। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, मेरे रहते हुए आपको मुझसे जुदा कोई नहीं कर सकता। मोहिनी, मुझे उस नेक दिल इंसान का शुक्रिया अदा करना है। हाँ हाँ, कर देना। पहले आप तृप्त हो जाओ, फिर हम दोनों चलेंगे उस नेक इंसान के घर। हाँ मोहिनी, ये तुम ठीक कह रही हो, हम दोनों चलेंगे उस इंसान के पास। आखिर उस इंसान ने हमारी जान बचाई है। अच्छा, आप आराम कीजिए स्वामी, मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ। ठीक है।